हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिलीट कॉलम्स टू मैक्स सॉर्टेड। लीट कोड की एक इजी लेवल की प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन होगा एक स्ट्रिंग का एरे जिसके अंदर हर वर्ड्स की लेंथ सेम होगी। लाइक ये हमको दे रखा है यहाँ पे गिवन वर्ड, ठीक है, ये वर्ड गिवन है यहाँ पे। इसके बाद हमको इसके अंदर फाइंड करना है यू वॉन्ट टू डिलीट द कॉलम्स दैट्स आर नॉट सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकली। लेक्सोग्राफिकली मतलब होता है ए बी सी डी, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर चलना चाहिए, मतलब नेक्स्ट लेटर उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये गिवन होगा। लाइक अगर हम इसकी अप्रोच देखें कि कैसा कुछ होगा, तो लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर हम इसमें कॉलम वाइज देखते हैं इसको, अगर कॉलम वाइज अगर हम इसको देखें तो ए ये डी से बड़ा है, ठीक है, जी बड़ा है, तो इसमें काउंट होगा जीरो, इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। ये काउंट भी हमारा जीरो होगा क्योंकि बी से बड़ा ई है, ई से बड़ा एच है, सी से बड़ा एफ है, आई है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा जीरो, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो इन्होंने गिवन दिया, सी बी ए डी ए एफ जी एच आई, तो इस केस में सी से ग्रेटर देन है डी, डी से ग्रेटर देन है जी, तो इस केस में काउंट होगा जीरो। सी से बड़ा ये है, ये वाला लूप, ये वाली रो, ये वाला सॉरी ये वाला कॉलम, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हमको कितनी रो डिलीट, कितने कॉलम डिलीट करने, वन। ए एफ आई ये ठीक है, ए से बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास वन। तो अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसे बन रही है, जो हमारा कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर आई, ये वाला कैरेक्टर आई, ये अगर ये इससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कैरेक्टर जे से, इस वाले कैरेक्टर से। अगर नहीं होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम उस टाइम पे आंसर को इंक्रीज करेंगे। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आई होगी कि कैसे वर्क करना है। तो चलिए अब इसको हम कोड पे देखते हैं। तो कोड में देखें तो हम फर्स्ट में कंडीशन चेक करेंगे कि अगर उसकी लेंथ एस टी आर एस डॉट लेंथ अगर इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे जीरो। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे आई एन टी लेंथ, ये होगी हमारी जो एस टी आर एस जो फर्स्ट वर्ड होगा उसकी लेंथ से निकालेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम फोर लूप लगाएंगे, फोर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई टेंस टू हमारा होगा लेंथ तक जाएगा, देन आई इंक्रीज होगा वन बाय वन। इस फोर लूप के बाद हम अब एक स्ट्रिंग के अंदर तो ट्रेवल कर पाएंगे, बाकी अब हमको उसको कंपेयर करना है कॉलम वाइज, तो हमको एक लूप और लगाना पड़ेगा, फोर आई एन टी जे इजिकल टू वन, जे हमारा होगा कहाँ तक जाएगा, एस टी आर एस डॉट लेंथ तक जाएगा, एरे है और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम कंडीशन जो हमने देखा था, हमको जो जिससे काउंट बढ़ाएंगे, इफ जो हमारा एस टी आर जे माइनस वन का कैरेक्टर एट आई ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, एस टी आर जे डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर वेरिएबल है उसको हम इंक्रीज कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। और हमने यहाँ पे आंसर बनाया नहीं है, तो हम पहले आंसर बना लेते हैं यहाँ पे, आई एन टी आंसर इजिकल टू ज़ीरो, ठीक है। एस टी आर और स्पेलिंग में थोड़ा
एस लिखना मैं यहाँ भूल गया था, ठीक है, ये एस टी आर आ गया, ये फॉर लूप ब्रेक बाहर जाएगा, यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न आंसर को। अब इसके बाद हम देखते हैं सिंटेक्स एरर तो नहीं है, रन करके इसको। ठीक है, सिंटेक्स एरर तो नहीं है, काकी कोड में कुछ ना कुछ दिक्कत है। थ्री आउटपुट थ्री एक्सेप्टेड, आउटपुट तीन आना चाहिए था, इसने वन दिया। आंसर इफ ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया इस लू इस चीज़ को। लाइक ये होना चाहिए था ऐसा, अगर ये ग्रेटर है मतलब उसके ऊपर वाला लेटर ग्रेटर है तो उस केस में आंसर बढ़े। ठीक है, और इसको करते हैं रन। सिंटेक्स एरर तो थी नहीं, इस बार तीनों केस सक्सेसफुली रन हुए। अब करेंगे इसको सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट भी होगा तो ठीक है, नहीं हुआ अभी तक, हो गया, चलो सबमिट। ठीक है, तो अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट लूप तो हमारा ये था, एन टाइम्स रन किया लेंथ को माना, और अगर हम एस टी आर की लेंथ को भी एन मानते तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ एन स्क्वायर, या ओ एन एम कह सकते हो कि अगर आप इसको एम कंसिडर करते हो तो ओ एन स्क्वायर या ओ एन एम। और स्पेस की बात करें तो स्पेस तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस में यूज़ किया नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कॉन्स्टेंट ही होगी ओ वन। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।